बहुत अच्छा बैकग्राउंड दे दिया तो कि भाई किस संदर्भ में ये सब धर्मरथ की बातें हुई। लेकिन सबसे बड़ा तो मेरे को बहुत बहुत ही इसको सुन के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इतना रामायण में इतने डिटेल में नहीं कभी देखा था, और छोटी छोटी जगह खाली मोस्टली स्टोरी और थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ही देखा था। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि रामायण में भी कितनी कितनी गूढ़ बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन को बहुत सुखमय बना सकती है। केवल गीता गीता में ही हम लोगों ने सोचा, गीता में मोर लाइक क्रिया कर्म टाइप का, लेकिन रामायण में कितनी सुंदर सोच है। तो जब धर्मरथ का वर्णन हुआ तो सबसे मेरे को तो पहले दो में ही मैंने बहुत इंप्रेस हो गई, और मैं दो में ही अपने आप को सोचने लगी कि मेरा जीवन में इस तरह का कितना है। तो जैसे शौर्य एंड धैर्य, ये जीवन के दो चीजें जो है शौर्य और धैर्य, तो ये मेरे को बहुत ही प्रभावित किए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में दैनिक जीवन में रोज रोज की क्रिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार ये सोचते हैं, एक बार जैसे शौर्य होता है कि उत्साह आना, जोश आना, कि कोई आदमी बहुत जोशी है, उसको हर काम करने का वो, मैं तो आज ये काम करूंगा, मैं आज ये काम करूंगा, बहुत जोश आता है, बहुत उत्साह आता है। ये भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर ये नहीं आएगा तो हम अकर्मठ हो जाएंगे, हमारी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हमें साहसी होना, जोश आना, कर्मठ होना, कि हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारा जो जो शौर्य का जो है, और दूसरा शौर्य का हुआ कि जैसे वो है कि कई लोगों में शौर्य बहुत होता है, मानसिक बल जैसे होता है, और धन का बल है, और बुद्धि का बल है, सब बल भी जो है कि बहुत जरूरी है, कि जिससे कि हमको डेली लाइफ में बहुत हिम्मत मिलती है। फिर जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे प्रहलाद का है, प्रहलाद में तो, और सबसे बड़ा जो बल होता है शौर्य होता है शरणागति का। अगर मान लो हमारे सब काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रभु की कृपा नहीं करते हैं, प्रभु की कृपा को नहीं मानते, अपना अहंकार करते रहते हैं, तो हमारा वो उत्साह या बल काम नहीं करेगा, इतना हमारे में बल वीक हो जाएगा। तो शरणागति का बल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे प्रहलाद है, प्रहलाद के उसके फादर ने कितना उसको कष्ट दिया, कितना मारा, लेकिन उसके अंदर में इतना बल था कि वो डिगा रहा, स्थिर रहा। तो बल का जो पहिया है, हमारे जैसे दो पांव है, तो बल का जो पांव है, बल का जो पहिया है, अगर वो स्ट्रांग रहेगा, हमारे हिम्मत रहेगी, हमारा कृपा रहेगी भगवान की, और हमारा साहस रहेगा, मानसिक बल रहेगा, तो हमारा खड़ा रहेगा, ढिग रहेगा। तो रथ के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है पहिया। सबसे पहले रथ खड़ा होने के लिए पहिया इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत मेरे को इम्प्रेस किया कि हमारे जीवन में भी बल बहुत जरूरी है, और खाली बल ही नहीं, उसके साथ साथ कृपा और शरणागति भी बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा लेके के हर काम जो करें हम, भगवान की कृपा समझ के करें। पहले मेरे मन में नहीं आता, लेकिन अब जो कभी भी कोई काम करती हूँ मैं, पहले ये तो मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, तो उससे मेरे को बहुत बल मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में धैर्य। तो धैर्य का क्या है कि ये हमारे सबके जीवन में होता है, मेरे में तो बहुत ज्यादा होता है कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ, करती हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होता, तो फिर एकदम निराशा होता है कि मैं भी, मेरे बस में नहीं है, या मैं बनी नहीं हूँ उसके लिए, या मेरे पास में नहीं है। तो यहाँ पर ये समझाते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करें, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसको समय चाहिए। जैसे वृक्ष भी समय से ही फलता है, फूल समय से ही निकलते हैं। तो कई बार क्या होता है जीवन में, मेरे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, मैं करती रही नहीं हुआ, और सडनली अचानक लगा कि वो काम हो गया। तो कई बार क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने लग, लेकिन उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है, डिगा रहना बहुत जरूरी है। हम कई बार हिम्मत हार के छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि हमको कई बार ऐसे काम नहीं होता है, तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारे में कैपेसिटी नहीं है, या हम कर नहीं सकते, या हमारे में कोई प्रॉब्लम है, उस पर स्थिर रहना जरूरी है, उस पर डिगा रहना जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है कि जरूर मैंने अपने सही तरीके से सब कुछ किया है, भगवान की कृपा रखी है, मन में सत्य रखा है, मन में अच्छी भावना है, निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ, तो जरूर काम होगा और जरूर ये होगा। तो ये मेरे को बहुत प्रभावित किया कि धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है साथ साथ बल के साथ साथ। तो आज का मेरा यही शिक्षा है। नारायण नारायण। थैंक यू बहन जी, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू। नीलम जी आप बोलना चाहते हैं? नीलम कनोडिया।
नमस्ते नारायण नारायण. दोनों ने बहुत ही अच्छा बोला, तो आई मेक इट क्विक. मुझे सारथी बहुत पसंद है. मैं बहुत छोटी थी तो हमारे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, वो 7 बहनें थी और मैं अकेली. तो मुझे अब तो और उसकी उसके पिताजी की जॉब अच्छी नहीं थी, तो उस अब बाद में 7 बहनों के बाद उनको एक भाई हुआ, उसका नाम उन्होंने पार्थ सारथी रखा. ऑफकोर्स व्हेन आई वाज यंग आई डिडंट रियलाइज कि इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत है. उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, ये हमारा पार्थ है ना, ये सारथी है, ये सारी बहनों को संभालेगा. एंड इट सो हैपन लेटर ऑन वाइल वी वर स्टिल इन द कॉलेज हर फादर डाइड. That my friend's father died, and she again, the mom again had the same thing. So to me, Sarthi is somebody. To me, if I have to see it in the modern ways, जैसे वो एक dialogue है और एक joke है कि husband कहता है मैं I'm the head of the family, but my wife is a neck. She moves around, or it could be the GPS of our life. So to me, of course, everything is important. Like Prem ji ne kaha, sabhi cheezon ki zarurat hai. Lekin mujhe sabse zyada lagta hai ki direction in life, chahe guru ji se ho, guru kripa ho, bhagwat kripa ho, but har cheez mein direction is so important. It's GPS of our life. And that's what I'm impressed with Sarthi. Namaste. Thank you, Neelam ji. Beautiful. To ab Preeta bolenge. हाँ, मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगी. नारायण नारायण एवरीवन. कृष्णा जी की क्लास लास्ट वीक में इतनी अच्छी हो गई, रियली मीन्स वो पूरा वीक यू नो आई वाज रियली थिंकिंग ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी थिंग्स आई कुड रिकलेक्ट यू नो पास में जो क्या क्या हुआ है. तो मैं बैंक में काम करती हूँ, तो हमारे कस्टमर आते हैं, कभी कभी बूढ़े होते हैं, कभी यंग होते हैं. तो ऐसे ही एक हमारे एकदम अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर आए. हमेशा वो ना पेमेंट को जब भी आते थे तभी वो ब्रांच मैनेजर के कैबिन में उनको पेमेंट भेजा जाता था. वो दिन जब भी आए तभी ब्रांच मैनेजर हैड टू गो आउट, ही वॉज नॉट देयर, कैबिन वॉज एम्प्टी. सो समबडी एल्स स्टूड इन द क्यू. And when his turn came, he moved aside and this valuable customer came. So he was looking very old. So because I had seen him after so many months, I can say, not years, but he was looking old. So when I smiled, he did not return. So I thought maybe he's sick. Otherwise, he's to at least Vishad's. So I paid him. Amount was 35,000. So I paid him. Done. So it was around I think 12 o'clock or something this transaction happened. And when I was going for lunch, my branch manager had come later. So he was in the cabin. He just called me. So he said, please, I have got something to ask you. So I went to him. So he said, what, sir? So he asked, madam, so and so person had come for withdrawal today. So you have paid him? I said, yes, he has withdrawn against check 35,000. So, but he is complaining to his wife that bank has taken the check, but they have not given me money. So I said, sir, you can see the CCTV. CCTV is there, you can see. So he said, you may feel bad. I said, no, sir, I won't feel bad. You will be, means I will be happy that you are also satisfied with it. So both of us viewed the CCTV and clear transaction was seen. So he was convinced. But his wife again phoned. Then her, I think, his son came home for lunch. So around 2:15, he phoned that bank, he is saying bank has not given him money. So we were thinking like, what must have happened? So I recollected, I told my branch manager that somebody else had stood in the queue, and when his turn came, he moved aside and this fellow came. So then that means some third party was involved. So we waited like, so we said we will ask our head office also to see if what can be done, like, because the third party was there. And around 4:15, then we were doing our daily business. As it is, we were attending other customers and doing everything.
and his son phoned and he said, sorry, sir. Actually, what had happened, he is having this, what it is called, not Parkinson, other, and that they forget the things and all. Amnesia kind of. Dementia. So he was suffering from that. And he had given the money to his driver to keep it properly. Uh-huh. And that driver, he dropped him home and he forgot to give money to him. And he went home for lunch. And when he came again, he gave the money to the to his son. So his son immediately phoned. I said, thank God, this driver, I'm really so thankful to him because of his truthfulness. At least our bank was saved, you know, from otherwise, what if you feel? Money has been given, but the customer is saying he has not received. So all means some ill feeling comes, no? So that's why I think satya and dhairya, these are the very important things in life, which I had to undergo from 2 o'clock till 4 o'clock on that particular day. So this is my personal experience. Thank you. Thank you for sharing. That is so beautiful. Yeah, that's why Bhagwan ji ye kehte hai na ki ye karam se dharam rath ke ang hai. This has happened, no? Yeah, correct. And this had happened at least 4-5 years ago. So that time I was not, you know, linking. So when I was listening to your lecture, class that day, all these things came to my mind. I said, I have to say thank you to you. So because I could now relate it. Thank you, Bhagwan ji. अपने आप ही हाथ खड़ा कर दो. तुम बोलोगे डिंपल? सुचिता ने हाथ उठाया था. सुचिता के बाद सुचिता, आई एम सॉरी, आई मेरे पास आईपैड है, केवरी नजर नहीं आता. सुचिता बोलिए. नारायण नारायण. म्यूट पे हुआ. नारायण. हाँ जी. बहुत अच्छा लगा सबका सुन के. एंड समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं तो. मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ. पर अभी एक रीसेंट मतलब लेटली क्या हो रहा है कि लाइफ में बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आता. तो अभी मोस्ट रिसेंटली बताती हूँ, अप्रैल की बात है. मेरे पापा की तबीयत खराब चल रही थी फरवरी से. एंड बाय द टाइम 15 अप्रैल आया तो डॉक्टर्स ने गोरखपुर में दे गिव अप. They're like, अब आपको दिल्ली जाना है. एंड हम फरवरी से पापा को बोल रहे थे, लाइक मेरा ब्रदर यूएस में है और मैं यहाँ, कि हम आ जाते हैं और आपको दिल्ली लेके. आपको तो पापा बोल रहे थे नहीं 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 सब ठीक है, सब ठीक है, यू नो. एंड थोड़ा पेरेंट्स ना ये सब चीजों में मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं. उनको लगता है बच्चे परेशान ना हो तो सच नहीं बताते हैं. तो मुझे मेरे कजन से कभी कुछ पता चलता था तो मैं मम्मी को डांटती थी कि आप बताती नहीं है. तो फिर वो पीछे पड़ाती थी, कौन बता रहा है? तो मैंने कहा ऊपर वाला, भगवान जी बता रहे हैं. बोले नाम बताओ. मैंने कहा भगवान जी का नाम तो आप भी जानती हैं. तो ऐसे करके सब चल रहा था. फाइनली जब ये हुआ तो मेरे भाई ने बस 2 दिन पहले न्यू जॉब ज्वाइन करी थी. सो ही कॉल्ड मी, ही इज लाइक अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल ट्रैवल करने की पोजिशन में नहीं हूँ. मैंने कहा नहीं, आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल, नई जॉब में हाउ कैन यू जस्ट इमीडिएटली से दैट आई नीड यू नो छुट्टी. एंड वो भी ये नहीं पता कब तक के लिए. एंड इधर मेरे बच्ची के बोर्ड एग्जाम्स थे. बट आई वॉज लाइक दैट्स ओके, मतलब यू नो कभी ना कभी तो बच्चों को ग्रो करना ही है. एंड अभी तो यूनिवर्सिटी जाएंगे तब भी तो अपने आप ही रहना है. सो यू नो क्या स्पून फीड करते रहना, लेट देम यू नो. एंड उस टाइम मैं बहुत परेशान थी क्योंकि अपनी भी कुछ परेशानियां चल रही थी ऊपर से ये. तो देन आई फेल्ट नहीं, मतलब यू नो परेशान होके कुछ नहीं होगा. सो मैंने भगवान जी को बोल दिया, मतलब ये आपके ऊपर है, यू नो दिस ट्रिप इज ऑन यू. तो अंदर से ही एक आवाज आ रही थी कि बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है. मतलब कुछ निकलेगा ही नहीं, बस तुम ये समझ लो कि तुम जा रही हो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे और आ जाओगी. एंड ये अंदर से आवाज आ रही थी एंड खुद को नहीं लग रहा था कि ये सच कैसे हो सकता है, बिकॉज रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी. एंड यू नो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी क्योंकि पापा मेरे कैंसर सर्वाइवर है. तो कुछ रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं, देन पापा हैज अ कजन हु इज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, वो भी कह रही हैं यू नो कंफर्म कर रही है कि नहीं कुछ तो मतलब रिलैप्स हो गया है एंड ऑल. सो आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड.
बट यू नो अंदर से जो ये आवाज बार बार आई जा रही थी कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, ये एक्चुअली ट्रू हुआ. आई वेंट देयर फॉर 22 डेज एंड पापा मम्मी के साथ मैं काफी सालों से बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एंड यू नो फैमिली मैं कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी कभी भी. तो अभी क्या हुआ, मैं पापा को दिल्ली में फोर्टिस गुड़गांव में एडमिट किया. सो अब पापा के सारे टेस्ट चल रहे हैं, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है. ऑफकोर्स जो भागा दौड़ी है वो मैं कर ही रही हूँ. एंड उसके अलावा हम लोग बस तीनों हम लोग रूम में बैठ के खूब बातें करते रहते थे. यू नो वी हैड सच गुड टाइम टुगेदर एंड फोर्टिस गुड़गांव इज अ गुड प्लेस. लाइक वी ऑल आर फूडीज. गोरखपुर में यू नो बाहर अच्छे ईटिंग जॉइंट्स नहीं है. सो यू नो इवन दे डोंट डाइन आउट. एंड मैं यहाँ आ गई हूँ एंड बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन सो आई डोंट प्रेफर गोइंग आउट. मैं मतलब अवॉइड करती हूँ बाहर कहीं भी जाना. जरूरत पड़ी है ट्रैवल कर रहे तब बात अलग है, अदरवाइज यूजुअल उसमें हम कभी बाहर डाइन आउट करने मैं नहीं जाती हूँ. सो वहां पे थी, वहां इट्स लाइक अ फाइव स्टार होटल यू नो विथ मेनी ईटिंग आउटलेट्स एंड फूड वॉज अमेजिंग. मैं रोज बाहर खा रही हूँ, दिन में 3 बार. आई वॉज लाइक भगवान जी कर क्या रहे हो, मतलब मैं जो इतनी इतनी सादा जिंदगी जो जी रही थी तो आपने कहा कि ले बस इंजॉय कर लाइफ. सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने मतलब भगवान जी को सारथी बना लिया था कि मतलब यू नो इट्स ऑन यू, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. तो भगवान जी ही मुझे गाइड करते रहे, सब सब कुछ करा दिया एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला और पापा ठीक भी हो गए. मतलब एक सर्जरी हुई एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन. एंड वो सर्जरी के लिए डॉक्टर्स को नहीं लग रहा था कि उस सर्जरी करने से कुछ होगा, बट उसी सर्जरी से सब कुछ ठीक हुआ. बट कुछ ग्रेव प्रॉब्लम नहीं थी. सो तो मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ इस पूरे से कि जब आपको लगे कि मतलब सामने बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, द बेस्ट थिंग टू डू इज भगवान जी को बोल दो आप ही सारथी हैं एंड यू हैव टू टेक अस आउट. एंड मैंने तो लाइव अपने उसमें देखा. सो ऑलरेडी मैं एक्चुअली कुछ टाइम से मेडिटेशन एंड ऑल कर रही हूँ. सो आई हैव यू नो काम डाउन अ लॉट एंड किसी भी सिचुएशन में आई डोंट लाइक टू लूज कूल. एंड मैंने ये इस ट्रिप में भी प्रैक्टिस किया. जैसे हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट्स टेस्टिंग हो जाता है, यू नो डॉक्टर्स कई बार बहुत घंटों घंटों वेट कराते हैं, यू नो पीपल डोंट सपोर्ट हॉस्पिटल में, लोग परेशान करते हैं. सो मैंने अपना प्लेज किया हुआ था कि मैं अपना कूल लूज नहीं करूंगी बिकॉज यू नो ये लोग भी तो बेचारे दिन भर हजारों पेशेंट्स की शक्ल देख देख के बोर हो जाते हैं. सो दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, दे डोंट डू इट बाय यू नो पर्पस. एंड इवन इफ दे गिव प्रायोरिटी टू समवन, हम लोग भी एडवांटेज लेते हैं. कहीं पे हम किसी को जानते तो हम भी तो प्रायोरिटी के थ्रू जल्दी चले जाते हैं. सो दिस थिंग अबाउट दोज टाइम. सो आई प्रैक्टिस दैट एंड मैंने पूरे ट्रिप में कहीं पे भी चाहे मुझे सुबह से शाम तक किसी एक चीज के लिए वेट करना पड़ा, आई डिडंट लूज माय कूल. I was like, no, I will maintain my calm. And जो ऊपर वाला करा रहा है वो सही करा रहा है. I mean, even if it's taking, you know, 7 hours for one thing, so ठीक है, भगवान जी चाह रहे हैं कि मतलब, you know, ये इस time पे हो तो ये इसी time पे होगा. So मेरे जल्दी मचाने से या किसी पे चिल्लाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. So ये जो मैंने इतना confidence रखा इस बार, it really proved, you know. तो अब मैंने यही कर लिया. अभी भी लाइफ में है कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं भगवान से कहती हूँ ये प्रॉब्लम मेरी क्रिएट करी तो है नहीं. तो यू नो अगर एक स्लैंग लैंग्वेज में या जोक में बोलूं तो मैंने कहती हूँ भगवान जी से, रायता मैंने तो फैलाया नहीं है, तो आपने फैलाया, आप ही समेटो, मैं तो आपके ऊपर कर दिया. हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मैंने कुछ इंटेंशनली कुछ गलत नहीं किया है और अनइंटेंशनली किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बट आप ही निकालो बाहर. तो सारथी इज यू नो What I was talking about. And मतलब yes, जैसा इन्होंने कहा कि सारी ही चीजें प्रैक्टिस करने वाली हैं, and I'm sure हम लोग करते हैं consciously unconsciously, but majorly मैं तो अभी इस चीज से कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में बोला. नारायण नारायण नारायण. बहुत अच्छा. you know, इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहे, भगवान करे हमें Like you says, कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं, उनके हाथ में है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस की प्रैक्टिस सीख लें तो अपने आप वो आदत हो जाएगी. और तो आपने एक चीज अभी पिछली बार बोली थी, सॉरी, कि हम लोग अपने आप को जैसे वो मटके में छेद होता है, तो अगर वो पानी में डूबा रहे तो उसमें पानी रहेगा.
उस चीज को भी मैं थोड़ा कॉन्शियसली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ना हर वक्त, क्योंकि मेरी भी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो मम्मी हमेशा ये कहती हैं, जब भी बहुत प्रॉब्लम में रहो ना, एक तो गलत मुंह मत खोलना, कि कुछ भी गलत बोलना ही मत, एंड टू स्टे काम इन अ सिचुएशन लाइक दैट, हर वक्त नारायण नारायण करते रहो। तो मेरे मन में ना हर वक्त कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नींद में भी नारायण नारायण चलता रहता है नॉन स्टॉप। तो आजकल जैसे मैं वॉक कर रही हूँ टू यू नो टू वर्क ऑन माई फिटनेस, तो मैं पहले क्या करती थी, वॉक करती थी या जैसे ड्राइव कर रही हूँ तो ब्लूटूथ लगा हुआ, तो आई यूज्ड टू कॉल अप समवन कि चलो ये टाइम मैं बात करने में लगा लूँ। बट अब मैं आपकी उस बात के बाद से मैंने कहा, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, अगर मैं किसी को भी फोन करूंगी तो मैं क्या ऐसा बात करके कुछ नया उखाड़ लूंगी, यू नो। एंड आजकल मैंने अब कॉन्शियसली अपनी बातें बहुत लिमिट कर दी है, बिकॉज टू यू नो रियलाइज, जब हम किसी से भी लंबी बात करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वी डोंट टॉक अबाउट ईच अदर, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पर्सन, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। सो आई हैव डन इज कि अब मैं वॉक करती हूँ तो मैं कहती नहीं, नो फोन कॉल्स अनलेस समवन कॉल्स मी फॉर समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल अप फॉर एनी चिट चैटिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई नारायण नारायण, सो दैट यू नो आई एम इमर्स्ड एटलीस्ट उतनी देर, तो कुछ क्या पता भला हो जाए। बिल्कुल सही कहते हो आप। एक बार मैं भी कार में बैठी तो किसको कॉल करूं, यू नो, जस्ट बिकॉज़ वो हैबिट हो गई है कि घर पे बैठ के बहुत काम होता होता है, तो फिर मैंने अपने आप सोचा, मैंने कहा कितनी मूर्ख हूँ मैं, भगवान को कॉल करूँ ना, तो भगवान को कॉल करो नाम जब शुरू कर दो, कभी ऐसा सोचते ही नहीं, हम यही सोचते रहते हैं किसको कॉल करो, किस भगवान के बारे में कभी सोचते ही नहीं कि उसको कॉल करो ना। Thank you for sharing. Thank you. अब और कौन बोलना चाहेगा? रचना आप बोलोगे? नारायण नारायण, एक्चुअली तो ये पूरा धर्मरथ ही जो है, पूरी गीता है अगर, इसमें तो जो है बहुत कुछ है, लेकिन जिसपे मतलब मुझे पर्सनली जो काम करना है वो है दम, इंद्रियों को वश में करना, वो मतलब सच में बहुत ज्यादा उसपे मतलब मुझे पर्सनली बहुत काम करना है। और उसके लिए बस वो है कि जो भी है कि हम लोग को जो देखना है सुनना है उसको वो चैनलाइज ही कर सकते हैं हम, उसको वो तो है नहीं कि हम कुछ तो वही कर सकते हैं कि अगर हम कुछ भी जो मतलब अगर जस्ट टीवी हमें देखना है तो जैसे नागराज जी भी हमेशा बताते हैं, एक संकल्प करो और कुछ अच्छा देखो तो इट्स ओके, ऐसे नहीं है कि उसे पूरा बंद ही करना है क्या, जस्ट एक संकल्प करके कि हमें आधा घंटे लेकिन कुछ अच्छा देखो तो अच्छा है, ऐसी अच्छा सुनो अच्छा, और बोलने मतलब मेरा तो खैर वो बहुत होता है, बोलने से पहले सोचो, ऐसे ही कुछ भी मत बोलो, तो वो एक बहुत ज्यादा, तो इन ये दम और दूसरा शम, मन को वश में करना, वो दो चीजें हैं जो जिसपे सच में मतलब बहुत काम करने की जरूरत है। बाकी तो बहुत मतलब वही है कि बहुत मतलब ये पूरी गीता अगर इसमें हम सब कुछ करेंगे तो सब उसमें ही आ जाता है, बहुत कुछ बहुत ही अच्छा है ये धर्म रथ, और उसमें हर एक पॉइंट ऐसे सोचो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस पे मुझे वही काम बहुत ज्यादा करना है वो दम और शम। थैंक यू, हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हमें भी करना है उस पे। अब और कौन बोलना चाहेगा? नीलम है, मैं हूँ। नीलम बोलोगे? सेम जैसे सबने भी बताया वैसे ही मेरा भी है कि मगर मुझे पहले सबसे पहले दो बहुत अच्छा लगा कि जो रथ के पहिए है शौर्य और धैर्य की उत्साह शौर्य यानी उत्साह से काम करना जो मेरा बहुत बड़ा वीकनेस है कि मैं सारे काम बहुत उत्साह से शुरू करती हूँ मगर फिर वैसे सेम सबके जैसा ही कि अब ये नहीं होगा, कुछ भी विघ्न आया छोटा सा भी विघ्न आया तो मैं तुरंत डाइवर्ट हो जाती हूँ या वो छोड़ देती हूँ। तो मगर जब से जैसे मैंने पहले जो पुराने उनको पता है मैंने पहले भी शेयर किया है कि ये जो एक काम मैंने शुरू किया है 10 साल पहले क्लास ज्वाइन करने का वो मैंने नहीं छोड़ा है,
तो अभी जब भी मैं आराम से, जब भी अभी ना 4 वीक से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वही अभी थोड़ा, जब भी लास्ट क्लास मैंने अटेंड किया तो जो कृष्णा जी ने होमवर्क दिया तो मुझे लगा कि वो मुझे करना है, तो बहुत तो नहीं हो पाया, लॉन्ग वीकेंड था तो बाहर ट्रिप पर चले गए तो वो तो, मगर आज ऐसे सुबह से जैसे बैठी हूँ सोचती थी तो ऐसे ही लगता था कि मैं क्या जैसे ये मिस करना, मेरा क्लास मिस करना, मुझे आज मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे किस में सबसे ज़्यादा आनंद आता है और मैं क्या सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, तो मुझे लगा कि ये क्लास है। क्योंकि जब भी नहीं ये 4 वीक किया ना तो बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा था कि ऐसे ना क्लास में परिवार में पहले भी बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं कि कई लोग ऐसे ना एयरपोर्ट पर बैठकर भी क्लास किया है, इंडिया से आकर वापस आकर इतना 2-3 दिन के जेट लैग के, हमारा मेरा तो 3-4 दिन चलता है, तभी दूसरे दिन भी क्लास अटेंड किया है। तो मैंने, मुझे वो थोड़ा बहुत ऐसे गिल्टी भी हो रहा था कि 4 वीक से मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, मगर फिर ऐसे जैसे धैर्य धीरज कि कई बार ऐसे हो सकता है कि हम कई कोई काम हमारी इच्छा से हमारे टाइम पर नहीं होता है, हमारी दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो घर की भी है, तो मगर फिर आज ऐसे लगा कि जो ये हमने साधन पकड़ा है, कई बार ऐसे ना मैं कई बार ऐसे जब भी ये गैप पड़ता है ना तो डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि जैसे लगता है कि इसमें भी मज़ा आ रहा है, जो हम दूसरी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारा मजा है, ये माया है, बहुत एंजॉय भी होता है, मगर फिर एंड ऑफ द डे ये वापस ये याद तो आता है, दैट मींस कि हम धीरज रखेंगे, हमने जो ये साधन पकड़ा है वो उस पर जो डटे रहेंगे तो धीरे धीरे हम सब उसमें आगे बढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली मुझे वो लग रहा है, तो वही है मेरा कि शौर्य और धीरज कि काम करना है, ये उत्साह से जो पकड़ा है वो पकड़ेंगे, और धीरज रखना है कि कभी कभी ये बीच में गैप पड़ा, डोंट वरी कि फिर भगवान, भगवान जैसे सारथी वाला भी बहुत ही अच्छा है कि हमने वो बनाया है, क्योंकि मैं अभी पहले डायरी लिखती थी हर रोज रात को, तो मैं अपनी वही अपनी रूटीन सब लिखती थी, आज ये किया आज किया, मगर जब से एक बार क्लास में कुछ हुआ था और वो एक क्लिक हुआ था, जैसे कृष्णा जी कहते हैं ना बत्ती जली, उस दिन मेरी बत्ती जली थी ना, तब से मैं भगवान को भगवान से मेरी टॉक हो रही है ना, ऐसे डायरी लिख रही हूँ, तो और अब मजा आ रहा है कि कुछ भी हो ना तो वो मैं डिटेल में उनसे बात करती हूँ, ऐसे ही लिख रही हूँ, तो एक और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी मेरा। और एक तीसरा है कि संतोष, कि मेरा एक दूसरी बड़ी बहुत बड़ी वीकनेस है शॉपिंग कि उसमें मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाती थी पहले, मगर अब धीरे धीरे, ऐसे मैं नहीं बोलती कि अभी मैंने बंद कर दी है, मगर जब भी मेरी बैक ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई है कि जो मेरी वांट्स है उसे ही पूरी करनी, जो हम मेरी नीड है उसे पूरी करनी है, तो कई बार ऐसे होता था कि मैं कभी पहले तो ऐसे ही चली जाती थी शॉपिंग मॉल में, मगर अब ऐसे ना बोल कर जाती हूँ भगवान को कि भगवान बहुत कुछ ऐसे मत दिखाना कि मैं ललचा जाऊँ और मैं सब कुछ उठा कर ले आऊँ, मुझे जो लेना है कुछ एक डिसाइड है कि आज मेरी ये है तो मैं वो लेने जाऊँ और वो लेकर आऊँ। तो एक बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसे हुआ था कि कोई पार्टी के लिए किसी ने ऐसे ड्रेस कोड रखा था, कलर कोड रखा था कि ये ऐसा ड्रेस पहनना है, तो पहले तो मेरा एक्सपीरियंस रहता था कि मैं जब भी जाती थी बहुत कुछ उठा कर आती थी, और उस दिन मैंने भगवान से बोला था कि मुझे बस वो ही कुछ दिलाना, तो ये पूरे मॉल में जो कलर का मुझे चाहिए था, जो मेरा एग्जैक्टली मेरे फिटिंग वाला इतना अच्छा ड्रेस मिल गया, तो मुझे आकर ऐसे लगा कि भगवान देखो क्या, वरना तो आपको सबको पता ही है कि मेसीज या जेसी पैनी में एक ड्रेस लेने जाओ कितना ट्राई करो कभी कुछ मिलता भी नहीं है, मगर वो ही कलर का वो ही मेरे फिटिंग वाला मेरी साइज वाला मुझे एक ड्रेस मिल गया और मैं सिर्फ वो एक लेकर आ गई। तो वही है कि भगवान को
को जब भी ऐसे बोला, धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस बढ़ी और हम ये छोटे 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 पॉइंट है, मगर जब ये एक्सपीरियंस होता है तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने भगवान को बोला और भगवान ने मुझे वो ही करवाया, तो मैं उस पर काम कर सकती हूँ। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, मगर हम शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। कई कई लोगों के एक्सपीरियंस जब बोलते हैं तभी हमको लगता है कि यस दैट इज गुड। नारायण नारायण, बहुत ही सुंदर सबका, ऐसे ना अंदर से जो बोलते हैं ना गूस बम्प भी हो रहे हैं सबके एक्सपीरियंस सुन के, और हम सब ही वही अनुभव कर रहे हैं ना, सभी सेम बोट में है। तो और सारे पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट है, तो मुझे सभी पे काम करना है अभी, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस तो चल रहा है, पर जो अनुभव के हिसाब से बोले तो जो आत्मबल, आत्मबल जैसे अर्जुन का है वैसे हमारा भी मेरा मतलब मैं कह रही हूँ कि वो डावाडोल हो जाता था कोई भी परिस्थिति आए, तो आत्मबल पे काम करना, जैसे क्योंकि 8 बल बताए भगवान ने, लेकिन उसमें जो बोलते हैं ना कि विषाद का समय आया तो आत्मबल ही शेक कर जाता है, उसी को स्ट्रांग रखना है तभी बाकी सब बल भी काम करेंगे। तो आत्मबल कैसे हो, तो वो जैसे हर चीज में ऐसा लगता है ना मैं कर रही हूँ, मैं मदर हूँ, मैं सिस्टर हूँ, मैं या वाइफ हूँ, कुछ भी अपने ऊपर लेते थे, तो वही मैया जी का याद आता है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, की करने वाला तो वो है ना, तो उस पे भरोसा रख के उसको सुजान सारथी बना के और काम करेंगे, तो हर जगह उसी पे। तो जो ये दोहा है वो बोलने की जैसे आदत सी पड़ गई कि प्रभिसी नगर की जे सब काजा रदर राखी कौसलपुर राजा गरल सुधारी पुकारे मिताई गोपत, कोई भी घर से जा रहा है, निकल रहे हैं, ड्राइव कर रहे कहीं भी, तो वो वाला बस बोलने की आदत हो गई और उससे जो शक्ति मिलती थी और मन में ऐसे कि हमने बोला है हम कर रहे हैं। जैसे बच्चे भी वही होता था कि हाई स्कूल के बाद गए, पुराने लोगों को तो पता है कैसी कैसी परिस्थितियां आई, तो मन में यही है कि हम नहीं जा सकते, भगवान आप तो जा सकते हो ना, आप हो ना उनके साथ, तो वो तसल्ली है कि वो भगवान बच्चों के साथ है। तो एक्सपीरियंस के लिए अभी जो लास्ट मंथ भी तन्या का जो अभी सर्जरी हुई तो जा नहीं सकते थे, लेकिन वही कि जब हो रही है और उसके पहले भी अपने जाप चल रहे हैं, पाठ चल रहे हैं कंटिन्यूस, तो वहां से कैसे कैसे अभी मैंने वो क्लास में भी शेयर किया था कि कैसे कैसे लोगों ने मदद की और उसका सब अच्छे से काम हो गया, तो वो शक्ति और बढ़ती जाती है। और एक बार भी मन में नहीं आया कि अरे मैं तो वहां नहीं पहुंची या मेरे बच्चे का कैसे होगा क्या होगा, ऐसा एक बार भी मन में नहीं आया। तो वो धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, भगवान का जो है ना हमेशा हमारे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है, तो हमेशा ही साथ है, तो वो दृढ़ विश्वास जो होता है वो, और पेशेंस वाली बात है कि धीरे 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 वो आता जा रहा है, कि बीच में होता है ना कि अभी कभी शेकी होते हैं, क्लास नहीं अटेंड कर पाए, कुछ नहीं है, फिर अपने आप आता जाता है कि हाँ हो जाएगा धीरे धीरे, ये नहीं हो पा रहा है हो जाएगा, तो वो होता जा रहा है। तो और जो अभी अनिलम ने बोला कि उत्साह पूर्वक, तो हम एक दूसरे को वो क्लास में आके ही अपने आप उत्साह आ जाता है कि फिर से करना है, छूटता है फिर पकड़ के आते हैं, छूटता है और शने शने होगा ये करके ना, और अपने से आगे वालों को देखते हैं, अरे वो इतना कर रहे हैं तो यह है कि हम भी पहुंचेंगे वहां, वो भी विश्वास होता है कि हाँ वहां पहुंचेंगे, रोल मॉडल तो लाइफ में होना ही चाहिए, तो ऐसे देख के होता है, ऐसे कुछ वो मन में नहीं आता है कि नहीं कर सकते हैं, आगे हमारा भी होगा, करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम वहां पहुंचेंगे। और ये भी क्षमा वाला जो है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला जो हम बोलते हैं, वो भी काम करता है कि मन बहुत हल्का हो जाता है। और पहले जैसे बोलते हैं ना कि वो क्रोध का और उसका भी जो टाइम लगता था ना, अब वो धीरे धीरे कम हो गया है और लेट इट गो, उनका स्वभाव वैसा ही है ना, स्पेशली परिवार में ही ज्यादा होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ ही होता है, तो लगता है कि उनका स्वभाव वैसा ही है ना, जाने दो माफ किया वाला ना, वो पकड़ के नहीं बैठते, तो खुद ही बहुत हल्का लगता है जीवन में। तो जो सारथी बनाया है उसका सबसे बड़ा वही है ना कि हम ऐसे बोलते तो गाते तो बचपन से सुना हुआ था, डोरी सोप के छोड़ के तो देख एक बार उदासी मन काहे को डरे, लेकिन अब उसका असली मतलब समझ में आ रहा है कि भगवान यहाँ पर जिसने लिखा है वो क्या कहना चाह रहा है, कि हम अपना मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ उसमें ही रहते थे, लेकिन अब
जो है ना, जो निमित्त बन के बस करते जाना, जो जो सामने आता जा रहा है वो करते जाना है। तो ये वही जो बोला, सारी गीता इसमें है, एक भी चीज पकड़ लो तो बोलते हैं ना कि जैसे देवी गुण है, एक पकड़ा और सारे आ जाएंगे, तो इसमें भी है कि एक पकड़ा तो सारा उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो बस वो कोशिश में लगे हुए हैं और भगवान की कृपा दिखती है, हर जगह दिखती है। और मतलब कृतज्ञता वो वाली चीज है ना कि इतना भगवान बस लगाए रखे इसमें, और बस इसी प्रेरणा के साथ। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और हर बार कुछ नई चीज समझ में आती है। इतनी बार सुना है, सबसे सुना है अलग अलग तरह से, लेकिन हर बार नई चीज समझ में आती है। थैंक यू कृष्णा जी, आपने इतना क्रूशियल टाइम में भी हमको सिखाया। भगवान भगवान की इच्छा, आप नहीं से कोई सिखाता नहीं है, ये तो भगवान भगवान की कृपा हम सब पे, अदरवाइज कहाँ होता। तो अपराजिता, आई नो आपने सुना नहीं पर आप बोलना चाहोगे। कृष्णा जी, मैं तो बस आप लोग का सुन ही रही हूँ, बस सोच ही रही हूँ कि हाँ ये भी, ये सारे गुण जो आ जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। हम मैं तो बहुत नीचे हूँ उस मामले में, लेकिन ये जरूर है कि ना आप लोगों के साथ रहते रहते क्लास करते करते, अब अगर मैं अपने जॉब पे जाती हूँ तब तो लगता है कि चलो मैंने क्लास छोड़ा है तो मैं जॉब कर रही हूँ। अगर जैसे मैं लास्ट वीक मैं वहां वर्जीनिया गई थी तो पूरे वीक मैंने और मुकेश ने यही याद किया कि हमने क्लास, हमारी क्लास नहीं हो रही है, अरे अभी ये होता तो ऐसा होता। हमने वो पूरा मतलब भले हमें पास बुक्स भी नहीं थी, लोग भी बहुत थे लोग, लेकिन फिर भी हमको टाइम मिलता था मॉर्निंग वॉक पे, कभी ना कभी इसी टाइम पे हम डिस्कस कर लिया करते थे कि अरे कब से शुरू होगा। मुकेश पूछते कब से फैमिली क्लास कब से शुरू होगी, गीता क्लास कब से शुरू होगी। और मैंने कितनी बार, जैसे वहां पे मेरी दीदी की सास आई हुई थी तो सबसे मैंने डिस्कस किया कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप ये याद रखो या नहीं नींद आ रही है तो गीता पढ़ के सो, कुछ करके सो। तो मैंने बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एंटरटेनमेंट के तरफ जाती हूँ ना तो मुझे गीता ज्यादा याद आती है, अगर मैं काम की तरफ जाती हूँ तो मैं इतना मिस नहीं करती कि चलो मैं काम कर रही हूँ। वो एक मन में होता कि मैं या तो राम का नाम नहीं तो काम का काम का काम की बातें, या तो राम की बातें जैसे बोलते हैं ना, तो मुझे बसंत जी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही काम की जब बात होती है तो मैं इतना मिस नहीं करती कि मैं भगवान ने काम दिया मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जहाँ एंटरटेनमेंट की तरफ हम जाते हैं वहां मैं बहुत हम मिस करते हैं कि अभी कब से शुरू करेंगे। तो इसलिए मैंने देखा मेरी ड्यूटी आज नहीं लगी, मैं बहुत खुश हुई कि नहीं आज मैं कर सकती हूँ। तो भाई अभी मैं सुन के लग रहा कि हाय मैंने लास्ट क्लासेस मिस कर दी, कितना सब कुछ बताया आंटी जी ने, अब सारी रिकॉर्डिंग मैं सुनूंगी। वो अभी अभी बच्चे भी घर पे है ना तो वो भी एट टाइम्स नहीं मिलता मौका कि रिकॉर्डिंग भी सुनो, कुछ ना कुछ अभी आके बार बार बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो लेकिन तो भी भगवान जी हैं, अपना पार लगा देंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों के पीछे पीछे चलती रहूंगी बस मैं। कौन जानता है कौन किसके पीछे चलेगा, ये ऑल इन द सेम। कोई और बोलेगा? गीता तुम्हें भी बोलना पड़ेगा ना, तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं थी मुझे सुनने की। म्यूट पे हुआ था। सॉरी कृष्णा जी, मेरे सिस्टर्स फैमिली वाज देयर सो आई वाज सो बिजी, मैं रिकॉर्डिंग भी नाइस सुन पाई, माफ करना मुझे, बट आपसे तो धर्मरथ ऑलरेडी जीत। हाँ धर्मरथ तो आपसे बहुत सुने हैं एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम रामचरितमानस बिकॉज I am a big fan of Gita, as everybody knows. So this is something that's very practical. I found for the battle of life, every day is a battle, right? Battle in the sense like it's challenges that comes in front of us. So jo bhi principles yahan par ek ek wo dharm rath ko lekar Bhagwan kitna sundar se, aur you know through Krishna ji we have heard so many beautiful anecdotes of every part of that chariot, you know kya kya uska meaning kya hai behind, you know uska deeper meaning kya hai, gudarth kya hai aur kaise hum uska use kare। तो मुझे पहले तो सत्यशील तो बता दिए, जो शील का जो
इतना दूर से भी दिखाई देता है द कैरेक्टर, यू नो, सो इम्पोर्टेंट. वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. और दूसरा जो मुझे बहुत मतलब जो हनुमान जी भी कहते हैं, अमल अच्छल मन त्रोन समाना, मेरा फेवरेट ये होता है कि इसमें निर्मल और अचल मन, यू नो, तर्कस के समान है. तो तर्कस है द क्वेर, यू नो, द वेर द एरोज आर केप्ट. इतना स्ट्रांग होना चाहिए और इतना निर्मल. So that purity, that pure and very steady mind is what is that tarkas is. तो यहाँ पर हमें अगर हम प्योर माइंड है, अगर हमारा स्टडी है, स्टडी अभी आप लोग हम लोग सब बात कर रहे थे ना, स्टडी जब होता है तो हमें एक डिसिप्लिन का आदत हो जाती है. क्लास छूटी तो बुरा लगता है बिकॉज आवर माइंड इज स्टडी की है, दिस इज वॉट आई वॉन्ट इन लाइफ. सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस पार्ट ऑफ आर एस्पेक्ट ऑफ आर, यू नो, अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये सत्संग इतनी जरूरी है कि इसीलिए हमारी माइंड स्टडी है तो ही ऐसा फीलिंग आ सकती है. तो दैट इज द स्टडी माइंड एंड प्योरिटी. सो वी हैव सीन, यू नो, मैया जी के थ्रू हमें इतना रामचरितमानस, गीता ये पढ़कर ये क्लैरिटी मिली है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू डू, लाइक, यू नो, इट इज इम्पोर्टेंट, बट डूइंग पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एंड ऑल दैट थिंग्स एंड हैविंग अ वेरी कंटामिनेटेड माइंड इज नॉट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज इवन इफ यू डोंट डू एनी रिचुअल्स, इवन इफ यू डोंट डू तीर्थ यात्रा, इवन इफ यू डू नॉट गो टू टेम्पल्स, बट अगर वो निर्मल मन, यू नो, सबके परहित, यू नो, सबके लिए जो हम, इफ यू आर वेल विशिंग एंड नो मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन इन अवर थॉट्स, यू नो, मनसा वाचा कर्मना, इफ यू आर अलाइंड, वो निर्मल मन होगा. वहां पर रामचरितमानस में बार बार बोल रहे कि वहां भगवान वास करेंगे, दैट इज वेयर ही लिव्स. सो द टेक अवे फॉर मी इज, इवन इफ अ नेगेटिव थॉट कम्स अबाउट समथिंग, सम सिचुएशन, समबडी, दैट मींस दैट निर्मलता, वो अब किचन क्लीन करते ना, थोड़ा भी उधर यू नो मल हो गया तो वैसा हमें क्लीनिंग की जरूरत, यू नो, दैट देन ओनली इट कैन रिफ्लेक्ट अवर आत्मा, यू नो, देन ओनली दैट ऑलरेडी the atma is so pure, but for that medium to reflect we need to have that pure heart. So this is something that my favorite line from this dharmrath, so and hanuman ji ke liye bhi, you know, sab everywhere we can see that jahan bhi nirmal man hota hai wahan par sab kuch, as nilam was saying ki daud ke aata hai, you know, bhagwan is saying if you are pure, you just give me your purity of heart, everything I will provide. He is taking care of that. So our effort, I mean, matlab, we know, only we know whether it's pure or impure. Nobody else can say, but wo manasa vacha karmana, if we are nirmal, then that is good. So that itself could be leading to a lot of other things that will follow. So this is always my takeaway, Krishna ji. Maaf karna, main dobara abhi sunungi. Nahi, aisa nahi hai, tumhe sunne ki zarurat nahi hai. Live the life. ऐसा नहीं है, हमें सुनने की जरूरत है. आप सबने बहुत अच्छा बोला. कोई शमा जी बोलेंगी? नो, आई एम लिटिल बिजी, सो आई एम सॉरी, आई एम लिसनिंग मोड. मधु आंटी, आप कुछ बोलेंगे? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल. मैं ये पूछना चाह रही थी साहब, जैसे आपने कहा क्षमा शब्द चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दया होनी चाहिए, पर दया के भी तो बहुत सारे रूप होते हैं साहब. दया किसी पे करो तो अहम आ जाता है. कोई मांगने वाला आया, हमने उसको रोटी दी, हमने उसको खिलाया, पर दया को किस रूप में आप लोगे? दया शब्द, दया करी तो हमें अहम आ गया, हमने उस पर दया करी और उसको भी आया, देखो उसने हमें, तो हम दया किस तरीके से करें कि हमको अहम नहीं आए? नहीं तो जनरली ये होता है कि हमने किसी को रुपए दे दिए, देखो हमने उसको बिस्किट दे दिए, उसने ये खा लिया, तो हमें अहम नहीं आना चाहिए. यह है कोई जरूरतमंद है तो हमने दया करी तो उसको आत्मनिर्भर बनाए, या अपने घर में भी भाई हमारे लोन काट दे तो हमने उसको रुपए दिए तो हम उसको आत्मनिर्भर बनाए. दया शब्द, दया किस तरह कैसे लेना चाहिए जिससे हमको अहम नहीं आए? और मुख्य रूप से आम आदमी को अहम आ ही जाता है कि मैंने उस पर दया करी, और दया वाला भी निरी हो जाता है, देखो उसने मेरे पर दया करी. तो दया शब्द है, उसको किस रूप में लिया जाए, मैं ये पूछना चाहती हूँ. कृष्णा जी आप बताइए कि दया कैसे की जाए, कि अपने में भी अहम नहीं आए
और जिस पे दया करी उसको भी हीन भावना नहीं हो, देखो मैं पे दया करी, तो दया को किस रूप में हम ले सकते। तो दया जो है शब्द वो भगवान को दया सिंधु बोला जाता है, दया के सागर है। इसीलिए दया के बाद फिर कृपा आती है। कृपा इस थोड़ा सा उच्च कोटि की जब दया होती है तो वो कृपा होती है। जैसे बुद्धि के भी कितने पार्ट होते हैं ना, साधारण बुद्धि तो सब में है, फिर उसके बाद विवेक बुद्धि होती है जो ठीक एंड गलत सिखाती है, फिर उसके बाद भी बुद्धि के बहुत सारे पार्ट है, रित भी आता है जो सत्य बुद्धि है। एंड इसी तरह जो दया शुरू दया से होता है कि हम किसी पे भी दया करें, उनके दुख को देख के जब हमने उन पर कुछ कृपा की वो दया होती है। जो बाकी जो आप बोलते हो ना, पहली बात तो ये कि आप हम किसी पे दया करते हैं तो अभिमान आता है, अभिमान जैसे हाँ अभी अभी राज दीदी ने बोला था ना, वो उनकी बता रहे थे जो क्या नाम है उनका, वो जो दान करते हैं एंड उनका वो आता है, उनका नाम क्या है, रहीम सेन। तो वो रहीम सेन दान करते थे तो लोग कहते थे अरे आंखें झुका के दान करता है, जरूर रकड़ कर रहा है ना। तो उन्होंने फिर तुलसीदास जी ने जो प्रश्न भेजा फिर उसका उत्तर जो दिया उन्होंने करे कि यू नो भगवान करने वाले हैं, देनहार कोई और है, भेजत है देन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे ना। सो वो वाला तो बहुत उच्च कोटि की कृपा है ना। पहले तो बात यह है कि हमें देना तो सीखना चाहिए, तभी तो भगवान ने कहा इतना दान तो कभी नहीं छोड़ना है। कलयुग में तो एक दान बहुत जरूरी है। गीता में भगवान कहते हैं कि दान तीन प्रकार का, सात्विक रासिक तामसिक दान होता है। एंड दान ही एक्चुअली दया का रूप है। दान जो है ना वही दया बनता है ना, हमने किसी को कुछ दिया तो वो दान हुआ, तो दान से ही दया हुई। तो वो जो दान जब सात्विक होगा तो अपने आप दया बनेगा। बाकी देखो जो आता है ना अभिमान, अभी हमने वो, दान वो, दिया है हमने, वो अभिमान नहीं होना चाहिए सब कि हमने दान दिया है। वो अभिमान वो कैसे कम करें, और आम मनुष्य जीवन में आ ही जाता है, उसको कैसे कम किया जाए। देखो वो तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट प्रटेंड कि नहीं आएगा। ऑल ऑफ अस जो प्रटेंड कर रहे हैं ना, अरे नहीं नहीं हमें दान देके नहीं आता, अरे लेट्स नॉट प्रटेंड दैट, हमें आएगा ही आएगा और आता है, बट ऐसा नहीं है कि इसको हम मिटा नहीं सकते, है ना। तो पहली बात हमें ये सोचना है कि सारे बराबर के हों तो दान किसको देंगे। सही है ना, पहली बात तो ये है सारे बराबर के हों तो दान। इसीलिए राम सूदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है जो संत लोगों की कृपा है, जो इन्होंने हमें रामचरितमानस लिख दिया, जो वेद व्यास जी ने इतने सारे शास्त्र हमें दे दिए, ये जो हमें अभय कर दे वो है सबसे बड़ा दान। जो हम दान देते हैं, जो हम दया करके किसी को कुछ देते हैं, वो तो सिर्फ ईगो का विस्तार कर रहे हैं, अपनी ममता का विस्तार कर रहे हैं। पर कहीं से तो शुरू करना है, चाहे ममता के विस्तार के लिए करें, कुछ तो करें। सपोज कोई किसी ने हॉस्पिटल बनाया किसी अमीर आदमी ने और वहां पे इतना बड़ा उसका नाम लिखा हुआ है, वहां स्टैचू भी हो सकता है, ठीक है वो उसका कर्म है, बट उससे बहुत लोगों को फायदा तो हो रहा है ना, हुआ है। हमारे यहाँ एक ओकलैंड यूनिवर्सिटी है, किसी एक फैमिली ने इतने सारे एकड़ दान किए थे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी को, और उसको दान किए हुए तो 150 ईयर्स हो गए, दान देने वाला तो चला गया, अभी तक भी वो यूनिवर्सिटी तो है। कितने कितने करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा है, पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है। दान करना तो बहुत जरूरी है, विद्या दान सबसे बड़ा है। जो अभिमान आएगा वो तो देखो भगवान की कृपा से ही जाएगा। अहंकार एक उदाहरण देके बताते हैं, जब युद्ध हो रहा है लंका कांड में, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, एंड मेघनाथ आया, लक्ष्मण जी उठे, बाकी सब योद्धाओं के लिए लक्ष्मण जी उठे। जब कुंभकर्ण आए हैं, कुंभकर्ण रिप्रेजेंट अहंकार, कुंभकर्ण आए हैं, लक्ष्मण जी एक बार नहीं उठे, तो बाद में हमें पता है भगवान ने मारा कुंभकर्ण को। बाद में लक्ष्मण जी को प्रश्न पूछा भगवान ने, बाकी सबके लिए तो तू लड़ने के लिए तैयार हो गया था, इवन रावण के साथ भी तुमने युद्ध किया है, तो तुम जब कुंभकर्ण आए तो तुमने एक बार नहीं कहा कि भैया मैं जाता हूं, एक बार मुझे भी मौका दीजिए। तो लक्ष्मण जी का उत्तर था, भगवान वो अहंकार है, उसको सिर्फ आप मार सकते हैं,
उसके लिए मैं नहीं उठा। तो ये जो हमारा अहंकार है ना, इसको तो भगवान ही मार सकते हैं। सो जो मैया जी हमारे कहते थे मिटाने का, तो एक ही तरीका है, हमारी जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है बस। हाँ, जब हम पॉजिटिविटी बढ़ाते रहेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। एंड टू जो मैं भी आती है ना दान देने का, मैं थोड़ी देर के लिए आता है वो भाव, अगर उस समय डिफरेंट थॉट दे दिया तो चला जाता है। ऐसा नहीं है हमने कितने दान किए, हर दान पे थोड़ी हमें अहंकार होता है कि अरे मैंने उस समय उसको वो दिया था, मैंने उस समय, ऐसा नहीं है। अहंकार कम होना सब बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यूं कर लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं ऐसा खाना बना लेती हूँ, मैं ऐसे गेस्ट को अटेंड, ये जो अहंकार हमारे मन में होता है इसको कम करना बहुत जरूरी। बस जैसे हमने अभी कहा ना, डोंट गो आफ्टर अहंकार को कम करना, डू नॉट गो आफ्टर दैट, वो नहीं कम होगा। लक्ष्मण जैसा बोल रहे कि अरे भगवान आप ही मार सकते हो अहंकार को, हु आर वी जो अहंकार को मारने वाले, है ना। धीरे धीरे प्रयास करने से नहीं, हम ये प्रयास करेंगे कि हम सबके लिए अच्छा बोले, सबका हित करें, वो प्रयास करेंगे। अहंकार को छोड़ दो, छोड़ दो अहंकार को, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आता भी है ना मन में, छोड़ना कैसे, अगर मन में आता ही है कि मैंने सबसे अच्छा बनाया या मेरा फूड खाना बहुत पसंद है या मेरा दिल, आने दो, कोई बात नहीं, थॉट है ना, आने दो जाने दो, इसमें क्या बड़ी बात है, आने दो जाने दो, एज लॉन्ग एज इट डजंट टेक अस, इट डजंट मेक अस मोर फॉल, हमें गिराना गिराते नहीं रहे। वो तो लाइक वी से मैं के पीछे नहीं भागना, मैं तो रहेगा ही, मैं एक आइडेंटिटी है हमारी, इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वो इसीलिए हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं, मैं तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये कहेंगे कि थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे और भगवान के तरफ जाएंगे, आप इस अहंकार को भी मार सकते हो, और कब मरेगा, जब हम, अब जब हम सुदीक्षण की तरह कहेंगे ऐसा अधिकार जाए नहीं मोरे, आई मीन भोरे, भोरे बोलते हैं, भूल के भी ये मेरा अहंकार ना जाए कि आप, मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो, तब तो वो अहंकार भी ठीक चीज है ना। भगवान ने अहंकार कोई गलत चीज थोड़ी बनाई है, अहंकार अच्छी चीज है, सिर्फ अपने अहंकार को हम राइट डायरेक्शन देंगे बस। अगर ये कहें कि अहंकार को मार देने, नहीं मरेगा, क्यों मरेगा, भगवान ने बनाया है। हम अपने, हम बोलते हैं ऐसे, अपने समष्टि अहंकार, जो मेरा इंडिविजुअल अहंकार है, जब हम उस अहंकार को, व्यष्टि अहंकार, भगवान के अहंकार से जोड़ देंगे, शिव है, शिव भोलेनाथ है अहंकार, शिव भोलेनाथ, जब हम उनके साथ जोड़ देंगे तो अहंकार को क्यों मारना, हम तो समष्टि में जुड़ जाएंगे। ऐसे थोड़ी बनाया भगवान ने अहंकार को, इस तरह से सोचेंगे। बाकी तो एक थॉट है, यू थिंक कि हमें नहीं आती, मुझे नहीं आती, अभी नहाते नहाते किसी के बारे में बुरा ख्याल आया तो मैंने तुरंत तुरंत, अब ये हो गया है, पहले नहीं होता था, वो शायद जितनी देर नहाती 15 मिनट वो थोड़ी देर के लिए वो आया, जैसे ही थॉट आया तो मैंने अपने आप को सोचा ये कि अरे ये थॉट तो मुझे खराब ही कर रहा है ना, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स, एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड दीजिए, थिंक ऑफ समथिंग एल्स, वो थॉट ऐसे भाग जाता है जैसे पता नहीं कभी आया ही नहीं था। बिल्कुल, so, जब भी मैं वाला आए तो हम यही सोचेंगे कि थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, यू थिंक मुझे अहंकार नहीं है, मुझे भी है। बिल्कुल। पिछले 3-4 वीक में वो अटेंड नहीं कर पाए तो थोड़ा सा ऐसे लगा मिस कर दिया गीता का, क्योंकि बाहर गए हुए थे, वीकेंड थे, और अभी भी गेस्ट आए हुए हैं, तो मैंने कहा नहीं अभी मैं अटेंड करके फिर आती हूँ रूम में बैठ के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई ऐसा है समर में। थैंक यू। कृष्णा जी, हाँ जी, अहंकार पे कुछ चीज याद आई कि सारी जो हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, ये सब चीजें जो आती है, ये पिछले संस्कार ही होते होंगे। The संस्कार्स manifest in this lifetime for us to work out. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कहते हो। तो मैंने हमारे गुरु जी की टीचिंग्स में मैंने पढ़ा है, अब आई एम नॉट श्योर कि मुझे अच्छी तरह समझ आया, कि जो अहंकार चीज है उसको हम भगवान की देन ही समझ सकते हैं, कि दिया तो भगवान ने ही है ना। हाँ जी,
हाँ जी, तो वो जब ठीक समझेंगे तो उसको रिमूव करेंगे। हाँ जी, नहीं पर प्रश्न ये आता है ना हमारे लिए कि वो तो सही बात है, अब सब कुछ तो हम भगवान के ऊपर छोड़ नहीं सकते ना, हमें अपनी तरफ से पुरुषार्थ करना पड़ेगा मैं को छोड़ने का, राइट। बट मैं जैसे अभी अभी हमने कहा कि भगवान ने तो बनाई है ना मैं, तो हम सिर्फ मैं को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको मार नहीं सकते। ठीक, हाँ जी, है ना। एंड मैं जरूरी है, जो आपने कहा पिछले जन्मों के संस्कार, भगवान ने खुद ही कहा एको हम बहु श्याम, तो भगवान ने अपने आप को कितने चीजों में बांट दिया। अब हमें इस जिंदगी में कितने चीजों में बटे हैं, भगवान की बात नहीं, हमने जब जन्म लिया किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भांजी, किसी की भतीजी, पता नहीं क्या क्या है हम, तो हमने भी तो अपने आप को कितने हिस्सों में बांटा है। हाँ जी, अहंकार पता कहाँ होता है, जहां मैं ज्यादा होती है, मैं और मेरा, लाइक हम कितने, हम भतीजी भी हैं, हम मामी भी हैं, चाची हैं, ताई, पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार कहाँ पे है, जो अपनी इमीडिएट फैमिली है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरा देश, जितना हम जिसके साथ जुड़े हैं वहां अहंकार आएगा जी। मैं जितना अच्छा खाना बना सकती हूँ, मेरे बच्चों को मेरा ही खाना पसंद है, यू नो थिंग्स लाइक दैट, या जैसे मेरा जो ज्ञान है वो दूसरों से बड़ा है, जहां मैं और मेरा होता है वहीं पे अहंकार होता है ना, और वही आता है मात्रा स्पर्शस्तु पांतय। अब हमें मुझे मेरे फ्रेंड्स से पे इतना अहंकार नहीं होगा जितना मुझे मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे माँ बाप पे होगा, जैसे रियालिटी, इज़न्ट इट, श्योर, हाँ जी। तो फिर कितना कितना मेरा संबंध है जिसके साथ, उतना ही अहंकार की मात्रा डिपेंड करती है। हाँ जी, मेरा जो संबंध मेरे साथ है, मैं समझती हूँ मैं ही सियानी हूँ, मैं आपको अच्छा बता सकती हूँ, तो मेरे साथ जो मेरा संबंध है वो मुझे अहंकार, मैं और मेरा ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है ना जी। तो वो बुरी चीज नहीं है, धर्म कहते श्री भोलेनाथ इज अहंकार, भगवान जो ब्रह्मा है वो बुद्धि है, जो हमारे विष्णु भगवान वो चित्त हैं, अहंकार अच्छी चीज है, नहीं होता तो हम इंडिविजुअलाइज नहीं होते जी जी। यहाँ तो हम लोगों ने कुछ और सीखा है इंडिया में, हमने क्या सीखा था, माँ के ऐसे लिखाया गया था हमें फर्स्ट राइट इन द फर्स्ट ग्रेड में, एंड गाय पे ऐसे लिखाया गया था, वहां से मुझे तो वही आते जी। जिस उम्र की मैं तो, लेकिन यहाँ पे क्या सिखाते हैं, राइट फ्रॉम द पी स्कूल, आई एम स्पेशल, आई एम मी, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा गलत है, ये भी ठीक है, बट आई एम स्पेशल, आई एम मी, हाउ अबाउट अदर्स, हमें पहले ये सिखाया गया था एवरीबॉडी इज स्पेशल, माँ स्पेशल हो, गाय स्पेशल, हमें दूध दे दी गाय के ऊपर ऐसे, सो हम सिर्फ सिखाने का टेक्निक था, हमें दूसरों के बारे में ज्यादा सिखाया गया था पहले, फिर अपनी बारी तो आती नहीं थी, माँ बाप तो कभी अपनी तारीफ करते ही नहीं थे, तो क्या उससे भी फिर कम था। आजकल मैं ऐसा नहीं है कि कम हमारा, मैं भी उतना ही है जो यहाँ के वालों का मैं है, वो नहीं कह सकते, बट वही कि किससे कितना संबंध है उस पे उतना अहंकार होगा, अगर भगवान से संबंध है तो सुतीक्षण ही कहते हैं दिस इज द अहंकार, है ना। कृष्णा जी, कैन आई शेयर समथिंग? यस प्लीज प्लीज। माया जी एक बताए थे, सी इवन अ चाइल्ड, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 ईयर होता ही उनका वो टॉय होता है ना, देन स्लोली दैट आई कम्स इन, दिस इज माय टॉय, यू नो, कोई सिखाता नहीं, जब उसके दूसरे बच्चे आ जाते हैं तो अपना, आई एम श्योर यू नो कृष्णा जी मस्ट बी विटनेसिंग अपने ग्रैंड चाइल्ड, देखते हैं कि वो दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर सेल्फ, लाइक आई, दिस इज मी, दिस इज माइन का, दैट इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम। तो मैया जी एक बोलते थे, जब हम ये उसका हाउ टू काउंटर दैट थॉट इज भगवान की शक्ति से भगवान के लिए मैं कर रही हूँ ये बात, अगर मैं किसी के लिए कुछ दान दे रही हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दैट, भगवान इज रूटिंग इट थ्रू मी, आई एम जस्ट ए निमित्त मात्र, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, अगर फिर रिप्लेस दैट थॉट विद दिस थॉट, देन नेचुरली इट विल गो, जैसे कृष्णा जी बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव थॉट से वी हैव टू रिप्लेस दैट। सो बट अगेन बच्चों के क्लास में ये पूछा गया था,
So if we do not, then how do we do self-advocacy? Jaisa Krishna ji bol rahe na, yahan par I, you did this, you are great, you are special. That's self-esteem badega. If we have that thing, I can paint well, I can cook well, is a good thing. Nothing wrong about it. Only I can paint well. Only I can cook well. Only my carrot halwa is better than others. Ye baat jab aati hai, jab wo ahankar mein badalta hai. So if we can appreciate others, another thing that when the ego, how it goes is, when we open-heartedly appreciate others' talents, others' skills, wo bhi Bhagwan ki vibhuti is flowing through them. Flowing through somebody to be an artist, flowing somebody to be a singer, somebody to be a dancer, somebody to be a manager. So that Bhagwan ki vibhuti, wahan, we should revel in, dekho Bhagwan ki vibhuti inke andar kitna scoop se rassi se nikal raha hai, main dekh rahi hun. Ye baat hum appreciate kar paaye, to apna ego automatically subside hoga. So ye baat Maya ji hamesha bolte the, ki appreciate others wholeheartedly. How many times do we take time? हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं. हाउ मेनी टाइम्स वी वेरी यू नो अप्रिशिएट करना, अक्नॉलेज करना, ये बात आ गई सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली. तो ये एक आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट. दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू गीता. नहीं ये सही है, कोई कैसी भी बना हमें अप्रिशिएट करना ही चाहिए, चाहे वो आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, पर उस समय टेबल पर नहीं सब बहुत अच्छा बनाया. True. And sometimes वो एक मैंने पढ़ रही थी psychology. If somebody if you see some good thing, you know, maybe somebody is wearing a good saree, and if you are immediately saying, oh, I have a same saree like that, that means we are jealous. Somewhere there is अपना अंदर जो जो मास्टर ये भाव है छुपा है. Immediately, we don't even think twice. अगर कोई टेबल पे आके कीर रखा है, मैंने लास्ट टाइम बना थी बहुत अच्छा आया था. Immediately, अगर हम बोल रहे हैं, we don't want to give that 2 minutes to them. You know, that is. बनाने वाले की तो वैसे ही हो गई, अरे भाई मैंने बनाया और इसने तो ऐसे बोल दिया. हाँ. सारा ही उसका वो 2 minute frame बोलते हैं आजकल ना. That 2 minute, we should. Control ourselves. It's okay, even if the thought comes. Thought by to aayega, because hamara ahankar hai hi hai, meter karta rahega. But if we can put our intellect, apne buddhi se usko daba ke, this is not the time. If somebody's child is excelling, wo time nahi hai apne child ki bare baat karne ka. Dusra time hai. Right? So this is what Mayaji used to say, you know, wholeheartedly appreciate, embrace everyone. Then we become this, jo Mayaji, Krishna ji bol rahe na, jab individual ahankar, wo jab samishti ahankar kaise banega? When individuality becomes universality, you know, we become asudeva kutumbakam, bolte to hai, but jab aata hai to apna hi... लेकिन ये वो बहुत ही सही है कि भगवान की शक्ति से हो रहा है, बस वो ही अगर कुछ कर लो तो बहुत कुछ बदल जाएगा, अहंकार आएगा ही नहीं. करेक्ट, एग्जैक्टली. शक्ति मतलब, क्योंकि उसकी शक्ति बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. दैट इज राइट, जो है बिल्कुल बिल्कुल. और उसके लिए हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है. अपन बोलते हैं भगवान ने सब किया, भगवान ने ही सब किया है, पर उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है. Yes. वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ता है, किस समय क्या चीज बोलनी है. हमें पता है ये गलत है, पर उसको इमीडिएट कुछ कर सकते. हाँ जी बिल्कुल, बाद में समझा सकते हो आप उसको, बाद में समझा सकते हो, पर इमीडिएट रिएक्ट कर देना ये चीज. मुझे वो कृष्णा जी की कहानी बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने अभी बताई, कि वो जब वो स्नान कर रही थी तो उनके जहन में क्या आया. तो आई थिंक एवरी टाइम हमारे मन में अगर जब भी कोई ऐसा ख्याल अहंकार वाला आता है, तो अगर हम अपने अवेयरनेस उस चीज में ले आए उसी वक्त बिल्कुल उसी वक्त. हाँ जी, तो उसको हम टैकल कर सकते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं. हमको ये नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, हम गलत सोच रहे हैं. हाँ जी, अगर उसको हम मन में रखेंगे तो वो फिर गलत डायरेक्शन में चली जाती है. कुछ और सोचना शुरू कर दो. दैट्स द एग्जैक्टली जैसे सर्वाइवल थ्योरी. जो अगर हम अपने दुख तो जिंदगी में आते रहेंगे, दुख सुख सब कुछ, अगर हम उसी में सोचते रहेंगे तो इतना वी कैन सर्वाइव. इसीलिए तो कहते हैं औरतों में तो धैर्य होता ही है.
बिल्कुल यू नो कितना भी कुछ हो जाए औरतें धैर्य रखती हैं, वो हमारी एक क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, तो उसको सिर्फ और हम आगे बढ़ाएंगे। ये बच्चे जो गीता पढ़ने वाले अपने यंगस्टर्स है ना, उनको बहुत आजकल इतना वो ईगो के बारे में ना, अमानित्व मधम्बित्व में सब पढ़ पढ़ के दे आर वरीड अबाउट इवन एडवोकेटिंग देमसेल्व्स, इवन इफ द इंटरव्यूअर आस्किंग टॉक अबाउट यू दे आर वरीड कि कहीं क्रॉस हो जाए वो लिमिट। तो उनको ये बताया जा रहा है कि जहां पर आपको बताने के लिए बताया गया कि पूछा गया, गो अहेड यू नो से समथिंग। तो एक बार याद है हम लोग शंघाई से गुड़गांव गए थे, माया जी के यहाँ वो हुआ था रासलीला हुई थी, तो वी ऑल केम फ्रॉम शंघाई एंड बैठे थे, तो माया जी सडनली यू नो शी वाज शेयरिंग समथिंग, शी सेड यू शेयर समथिंग ऐसी यू नो रिफ्लेक्शन जैसी था, तो हम लोग तो वी वर वेरी लाइक वेरी स्कैर्ड मतलब कभी बात ही नहीं किए थे, तो नो ऐसा पीछे हटे थे, तो माया जी डांटे थे वहां पर आप लोगों की इसीलिए शेयर करने के लिए बिकॉज आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, बाकी थोड़े नए लोग आए हैं वहां पर आपके थ्रू सुनेंगे तो उनको भी इंस्पायर होगा कि इसमें उनको भलाई है करके, बट तुम लोग ये टाइम पे वो मत सोचो कि बात नहीं करना है। दिस इज this finite differences Mayaji used to point out. So for children, that's what we are telling, you know, yes, don't feel superior to others, but be confident of your own talent and skills. You know, you should know when to say, when to advocate for yourself. So very balanced. आंटी जी मेरा एक क्वेश्चन है फॉरगेट एंड फॉरगिव से, आई एम श्योर टाइम तो नहीं हो रहा अभी, क्या नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आई गेस भगवान जी की दया हो तो वापस से मैं आऊं नेक्स्ट क्लास में, तो क्या डिस्कस कर सकते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव में, थोड़ा सा डाउट है मुझे। देखो जैसे आई मीन मैं तो फिर से वही कहूंगी, फॉरगेट एंड फॉरगिव इज नॉट इजी, देखो क्योंकि हमारा चित्त में मेमोरी ही वही है जो हम भूलना नहीं चाहते, वो जो भूलना चाहते हैं वो मेमोरी में है ही नहीं, राइट? तो जो चिप है ना, इसे डिवाइन चिप, सो डिवाइन चिप वो मेमोरी स्टोर कर रही है, राइट? तो आप बताइए, सो हमें कल ये तो याद नहीं रहता कि कल सुबह हमने क्या खाया था या कितने बजे उठे, सोचना पड़ता है उसके लिए, वन हम वी विल रिमेम्बर, देन वी माइट रिमेम्बर कि अरे शायद ये खाया था, ये पहना था, ये किया था, लेकिन जो मेमोरी इसमें बसी है चित्त में जो टिक जाती है वो यही है जिसके साथ हमें राग है या द्वेष है, ये याद रखना है, मेमोरी इज ओनली अबाउट राग और द्वेष, राग और द्वेष। सो जब तक राग एंड द्वेष रहेगा, जब तक फॉरगेट एंड वो उसको क्षमा करना फॉरगिव नहीं होगा, हमें रूट समझनी है, इतनी बातें समझने की जरूरत ही नहीं है कि अरे भूल जाओ क्षमा कर दो, क्यों भूलूंगी मैं, वही तो मेरी मेमोरी में भरा पड़ा है, ठीक है ना? याददाश्त का तो ऐसा ऐसा 30 साल पहले की बातें डायलॉग समेत याद है, 30 साल पहले की, और 7 दिन पहले क्या हुआ था वो भूल गए। एक्सपर्ट हैं हम, वुमेन वी आर एक्सपर्ट इन दैट, 30 साल पहले क्या हुआ था वो डायलॉग समेत याद है कि उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, और 7 दिन पहले क्या हुआ वो भूल गए। नहीं, मेरा क्वेश्चन या आंटी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फॉरगेट करने में भी मैं फॉरगेट कर देती हूँ, मुझे जब से ये पहले से ही शायद फैमिली से आया है कि ठीक है छोड़ो, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना कि आप जब फॉरगेट एंड फॉरगिव करते हो तो जो एक कॉज के लिए आप उठे हो मान लो, और सामने वाला वो नहीं कर पा रहा है और हमने फॉरगेट फॉरगिव कर दिया, तो वो हमारी जो बोलते हैं ना फैमिली के टर्म्स में जो समस्या है वो वहीं पे है, तो उस केस में फॉरगेट एंड फॉरगिव करना मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, बाकी अगर वो सॉल्व हो गया आफ्टर सॉल्यूशन तो उसके बाद फॉरगेट फॉरगिव करो ठीक है, लेकिन फिर क्या सामने वाला उस चीज को ना फिर वो नेगेटिव ले लेता है कि अरे ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो ऐसे ही कुछ है बस बोल देंगे फिर चले जाएंगे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें है ना, हम इसीलिए तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए तो गीता पढ़ रहे हैं, क्या भगवान रावण को संदेशे भेज रहे हैं तुम सीता को वापस कर दो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, सीता को वापस नहीं दिया तो क्षमा कर दिया क्या भगवान ने? नहीं क्षमा किया, हर समय क्षमा करना जरूरी नहीं है, यही तो हमारी प्रॉब्लम है, जो हम थोड़े से सात्विक वृत्ति वाले होते हैं ना, हम धर्म के सार को नहीं समझते, धर्म में रुचि है हमारी,
हम ये भी करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बट अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करते ही करते हम कहीं दूसरों की नेगेटिविटी को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। जब मैया जी हमेशा कहते हैं हम जो भी हमारी सात्विकता है क्या दूसरों के राजसिक स्वभाव को बढ़ा रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, इस अगर हम लें तो एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फेयर, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से पिछले जन्मों का कहां कहां से कैसे कैसे चल रहा है। अगर हम भक्तों का देखें, मीरा जी जैसे, क्या क्या फेयर हुआ उनके साथ, एवरीडे तो न्यू ड्रामा हो रहा था। या तो हम वो बन जाए, मीरा बन जाए, क्षमा कर दें, फॉरगिव कर दें, क्षमा वो हमारा स्वभाव हो जाए। एक्चुअली क्षमा करना एंड भूलना हमारा स्वभाव नहीं बना है अभी, हम सिर्फ ये कर रहे हैं ऊपर से। जिस दिन वो स्वभाव हो गया उस दिन तो फिर वो बातें ही नहीं आएंगी, फिर हु केयर्स अबाउट समबडी एल्स थिंग्स, समझ के ना। मीरा जी जैसे, सुभदा जी जैसे, वो हम वहां पे नहीं पहुंचे। एंड देन ये क्षमा एंड क्रोध एक व्यवस्था भी है, जहां पे क्रोध करना है वो बहुत जरूरी है, जहां पे क्षमा करना है बहुत, यहाँ पे नहीं करना वो भी बहुत जरूरी है। इट ऑल डिपेंड्स, हम जो क्रोध कर रहे हैं वो सर्वे भवंतु सुखिना के लिए कर रहे हैं या सिर्फ मेरे इंडिविजुअल सुख के लिए कर रहे हैं। जो क्षमा कर रहे हैं वो सर्वे भवंतु सुखिना के लिए हो रहा है क्या, है ना। वो मेन बात तो ये है कि क्षमा भी जब हम करना है तो वो देखना है वो क्षमा क्या क्या, तो कई को भरत जी ने क्षमा किया। भरत जी का पूरा करेक्टर देखिए आप, वो तो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि भरत जी ऐसा गंदा बोल सकते हैं। जो गालियां उन्होंने अपनी माँ को निकाली है तो वहां क्या क्षमा करना चाहिए था। वो ही राम जी हैं, वो राम जी कहते मेरी माँ को कोई कुछ ना कहे, कई माँ को। तो क्षमा वहां पे राम जी का धर्म हो सकता है, भरत जी का नहीं। भरत जी ने तो सारी उम्र ही नहीं बोला माँ माता को, बोला ही नहीं कभी। राम जी बोले, पूछा तुम अब तो कई माँ को माँ बुला दो, बोले आप क्या बुलाते हो माँ को, बोले माँ बुलाता हूँ। तो बोले फिर मेरे माँ बुलाने की क्या जरूरत है, कहते कि तो तुम्हारी भी जरूरत है। बोले नहीं नहीं, किसी को डायबिटीज हो जाए डॉक्टर सारी उम्र के लिए बोलेगा कि मीठा नहीं खाना है। बोले मुझे मेरी माँ को डायबिटीज है, उसको मैं चाहता हूं कि अगर मैं उसको मीठा माँ 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 करके मीठा बोलना शुरू कर दिया फिर से, तो कहीं फिर से उनसे कोई गलती ना हो जाए। वो रोग है जो मानसिक रोग, सो अनिल इसके लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है। बस एक बात समझ लो मोटी, वो ये हमें समझनी है कि हमारा जो चित्त है उसमें जो मेमोरी है वो राग द्वेष की वजह से है, लेकिन जो क्षमा करना या नहीं करना इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्षमा कर दो, मन में द्वेष मत रखो। जैसे भगवान जी हैं वो क्षमा भी करते हैं एंड द्वेष करके क्षमा नहीं करते, है ना। हमारे लिए वो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हमें तो सिर्फ ये सोचना है अभी, अपना सेल्फिश स्वार्थ, अपना स्वार्थ सोचना है। वो क्या सोचना है कि देखो मैं क्षमा करूं या ना करूं इसको कुछ फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, इसने अपनी आदत नहीं छोड़नी, मैंने अपनी आदत नहीं छोड़नी, तो छोड़ दो यार, यू नो। मुझे क्षमा उसके लिए नहीं, मुझे अपने लिए क्षमा करना है उसे, है ना। इसी तरह वो भूलना जो है उसके लिए नहीं, मुझे There are so many things we cannot forget. It's not that. क्षमा के साथ दंड का भी विधान है। यदि आप अक्षम में कोई कार्य करते हैं तो दंड का भी विधान है उसमें, क्योंकि कोई ने इस तरह का कृत्य किया कि जिसमें क्षमा की ही नहीं जा सकती, तो दंड भी देना पड़ता है। बहुत जरूरी है दंड देना, जरूरी दंड देना भी जरूरी है। बात तो वही आ गई ना, दंड देते समय जो हमेशा हमारे प्रभु बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये है, हमें जो कोई अच्छा लगता है ना सात्विक गुणों वाला हो सकता है, हमें उस बंदे से राग हो जाता है, गुणों से राग नहीं होता। हम उस, तभी मैया जी हमेशा कहते हैं डू नॉट फॉलो द पर्सन, फॉलो द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल से राग नहीं होता कि हमें ये प्रिंसिपल निभाने हैं, हमें वो पर्सन से राग हो जाता है। इसी तरह जो दोषी है हमें उसके दोष से द्वेष कम है, दोषी से द्वेष ज्यादा है, इसीलिए हम उसे कभी भूल नहीं पाते। एंड बाकी तो ये है कि
इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्षमा, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है. सो मेनी टाइम इट्स फॉर अस ओनली. अपने मन में क्षमा कर दो, ऊपर से दंड देना पड़े. अरे हम अपने बच्चों को कितनी बार क्षमा करते हैं, इतनी बड़े हो गए हमारे बच्चे तो इतने बड़े हो गए, फिर भी कभी कभी बार कुछ मुंह में आता है तो ऐसा बोल जाते हैं. और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं बोल सकते थे अपने पेरेंट्स को, कभी सोच भी नहीं सकते अरे ये बच्चे तो ऐसा है. तब तुम्हें अपने बच्चे के लिए लगता है इसका मुंह नहीं देखना मुझे, अरे आधे घंटे बाद फिर उसके मुंह के लिए तरसते हैं हम. क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है, गुस्सा है, क्रोध किया, उन्हें डांट दिया, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे हो गए. क्यों? ये देखना है हमें. तो ये कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें क्षमा करने से काम बिगड़ सकता है, उस केस में उनको शो ऑफ करें कि आई एम स्टिल इन दैट फ्रीक्वेंसी, कि तुम्हें काम खत्म करना है, भले मन में कोई नेगेटिव फीलिंग ना हो, बट सामने से ऐसा हम शो कर सकते हैं कि नहीं, यू हैव टू गेट द वर्क डन. फिर जब काम हो गया तो ठीक है, सब अब सब तो अपने ही घर में है, सब ठीक है, सब बढ़िया. That's that's the only way we can practice, right? Practice में पहले तो ऐसे ही करना पड़ेगा. I think तो सिचुएशन अगर ऐसी है कि जो बोलने से तुम्हारे कुछ होने वाला है वहां पे, तभी वो जो है ठीक है. अगर ऐसा है कि कुछ तुम्हारे बोलने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आई थिंक वो छोड़ ही देना चाहिए. उस केस में भी मैं समझती हूँ ना कि अगर इंसान खुद ही इतना स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन द सेंस कि जो बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, जैसे गीता जी बोलती हैं, उस केस को जो इंसान अगर लाइफ लॉन्ग फॉलो करता है उस प्रिंसिपल्स को, और डिसिप्लिन्ड है और डिटर्मिन्ड है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो फिर सारे पीछे जरूर आके काम कराते हैं. अगर इंसान खुद ही वो दुलमुल है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं हुआ, तो फिर लोग भी उसको फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, तो उस केस में काम फिर ऐसे ही होता है. तो अगर उसके लिए ना कि हमें फॉलो मतलब काम लोग करें, हमारी बात माने और काम करें, मुझे लगता है कि अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा एट टाइम्स. नहीं तो इवन बच्चे भी नहीं सुनेंगे, बच्चे भी नहीं सुनते हैं. अगर खुद ही ना हम अपने आप को, अपने प्रिंसिपल्स को खुद ही फॉलो ना करें ना, तो बच्चे भी नहीं सुनेंगे. दूसरों की बातें तो बड़ी है तो वो थोड़ा सा रहता है फिर. हमारा मन ही नहीं सुनेगा हमारी बात, किसी के बारे में मत सोचो. राइट राइट. अपराजिता इज to what extent is our duty ek bar whatever situation it is. Maya ji used to say ki yes, bachchon ke liye apna duty hai, batana padega, we have to be firm in our principles and everything, but when it comes to families and you know thoda distant friendships, whatever it is, where should we draw that line? Not everybody likes anybody's advice so easily, right? So they think they know everything, so that thin line ek hai कि हमें रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट और टू करेक्ट देम इज मोर इम्पॉर्टेंट. यू नो वी हैव टू वे दोज थिंग्स बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, राइट? वी आर बॉर्न विथ फैमिलीज, वी हैव नो चॉइस. सो दैट इज वेयर वी हैव टू, वो डिप्लोमेसी वी हैव टू सी. ठीक है, इनडायरेक्टली देयर इज अनदर थिंग इज पोलाइटली, यू नो सी, वी डोंट हैव टू कन्फ्रंट समबडी टू से समथिंग. We can indirectly say, we can see some problem is there, or we can take an example where my friend had the same problem and he did this, you know, those kind of examples also will inspire them. So never know where what works. So you have to do, you know, dana beda, you know, design different strategies. Yeah, you are right, Geeta ji. Yeah. Family mein to aise hi maine bhi relation rakh rakha hai ki nahi, sab everyone are individual, unki jo soch hai jo hai. But the situation kya hai na ki mere in-laws ko main bhi batati hu, main itne se nahi bata rahi thi ki in-laws ke, mere in-laws bade seedhe hain, they are very very down to earth, lekin unki apni family wale unko bahut pareshan karte hain regarding no gaon ghar mein ye farm ye aisa waisa, you know, so jo होते हैं. उस केस में वो, क्योंकि मैं उनको बताती रहती हूँ कि आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बने शुरू से, तो इट्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स एंड दे आर जस्ट उनको टारगेट बनाते हैं और वो परेशान कर रहे हैं उनको, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते. तो उस केस में उनको बताती रहती हूँ कि आप हर बार क्षमा क्यों करते हो, आप बोलो कि जहां भी गलत है आप वहां पे बोलो कि आपने गलत किया. दे आर लाइक बहुत सीधे हैं, तो उस केस में मुझे दुख होता है थोड़ा सा कि वो क्यों नहीं बोलते वहां पे. बाकी probably they value that 20 years of relationship is more important than my own convenience or my own interest. Yeah, लेकिन फिर उनको परेशानी होती है. They give up, you know, we have seen our parents, all of them, you know, कि
हमें हमें लगता है कि वो दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज, बट उन्हें वो नहीं लगता है, दे फील कि दिस इज द वे इट शुड बी, सेट हो जाता है रिलेशन ना, बहुत डिफिकल्ट है उसमें थोड़ा नेविगेट करना. या इट इज ट्रू, इट्स अ गर्गर. इसीलिए ये गीता रामचरितमानस ये सब बिगनिंग से बहुत जरूरी है. तो वी शुड नो वेयर टू फाइट एंड वेयर नॉट टू फाइट, चाहे वो फैमिली मेंबर क्यों ना हो. अब हमें थोड़ा 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 आ गया है, तो इन द एंड इट्स ऑल ईगो. हमारी ईगो हमें हमें अच्छे बने हुए हैं हम, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें लोग अच्छा ही कहें. कोई नहीं चाहता कि लोग मुझे बुरा कहें, बट कभी कभी बुरा भी बनना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है ना. बट इट ऑल डिपेंड, इट्स नॉट नो इजी सॉल्यूशन, नो इजी सॉल्यूशन. एग्जैक्टली, ना वो सामने वाला अपनी आदत छोड़ेगा, ना मैं अपनी. सो इन द एंड आई कैन ओनली चेंज माय सेल्फ, नो इजी सॉल्यूशन. बट शेयर करके थेरेपी हो जाता. यस यस यस, दैट्स व्हाट आई टेल कमलजू. आई सेड इतनी अच्छी थेरेपी हो जाती है ना हमारी. इसके लिए लेडीज क्लास बहुत जरूरी है, जरूरी है. Nothing gonna change, we know that, but we can only change ourselves. And मस्त रहो कि जियो, मैया जी वही कहते थे, मस्त रहो, खुश रहो, जियो, खूब खूब खुशी से जियो, अपना जीवन जी लो, जो अपना जीवन वही की विद द प्रिंसिपल, बट देन रोते रोते थोड़ी प्रिंसिपल निभाने. वो मतलब है कहने का, जब हम कहते हैं ना खुश रहो, खुश रहो, वही तो मेन बात है, खुश रहो, है ना. एंडिंग एंडिंग वाले अपराजिता एंडिंग श्लोक, क्लोजिंग श्लोक. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्तः, पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नारायण नारायण देवान, नारायण नारायण सब, नारायण 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 नारायण.